फाइंड अ सॉल्यूशन फॉलोइंग इन इक्वेशन, जिसमें वो आपसे ये कह रहा है कि हमें इन इक्वेशंस के क्वेश्चन करने हैं और साथ साथ ये बात भी बताना है कि उसका ताल्लुक किस सीरीज से मौजूद है। तो बेटा ये आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, अब ये आपका आज का क्वेश्चन है, 6b-5 <ELL> less than b+10, और आगे सीक्वेंस इसकी जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है फॉर ऑल डी बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब क्या होता है? रियल नंबर, ये जहन में रहे कि ये रियल नंबर की बात कर रहा है। ठीक है भाई, तो हमें क्या करना है कि हमें रियल नंबर की सीरीज के लिए क्या काम करना होता है? सबसे पहले हम वही काम से स्टार्ट करेंगे कि भाई हमें हमें जो है वो इसके अंदर हमें इसके अंदर जो सबसे पहला काम करना है वो यही करना है कि भाई हम बी की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन बी की वैल्यू एक्चुअल नहीं निकलती, यानी कि 6b-5 less than b+10। तो बी को एक तरफ ले जाएंगे, तो बी को एक तरफ लेके जाएंगे तो बी माइनस का हो गया, और माइनस का 5 वहां जाकर हो गया प्लस का 5, और अब आप 6b में से 1b निकाल देंगे तो 5b, और ये हो जाएगा 15b, और 15 के पास जाकर आपका 5 डिवाइड हो जाएगा तो b<3> आ रहा है। b<3> आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर b<3> हो तो अब ये नेचुरल नंबर की सीरीज तो है नहीं, जिसमें मैं ये बात लिख दूं भाई कि आपका जो आंसर है वो ये कहलाएगा। b<3> का मतलब ये है कि भाई हमारा आंसर जो है जब भी रियल नंबर की बात होगी, अब रियल नंबर तो सारे नंबर होते हैं, पॉइंट्स के नंबर भी शामिल हैं, अपॉन के नंबर भी शामिल हैं, और इसके अलावा बहुत सारे नंबर हैं जो रियल नंबर में शामिल होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर रियल नंबर काउंट नहीं कर सकते। तो हम ऐसे सवालों को जो कि रियल नंबर होते हैं जिसकी कोई सीरीज नहीं होती बकायदा, तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। तो सोल्यूशन सेट देखते जाए भाई, सोल्यूशन सेट इसका क्या होगा? सॉल्यूशन सेट होगा इसका b such that b belongs to real number b less than 3। ये आपका आंसर होना चाहिए, b less than 3। इसमें आप इसको हटा दो और इसकी जगह पर एंड लगा दो, b less than 3। क्या लिखा मैंने? देखो वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है, b, तो b such that b belongs to real number and b less than 3, डायरेक्टली ये लिख देंगे, यही आपका आंसर कहलाएगा, ये जहन में रहे। ठीक है भाई, यही आपका आंसर कहलाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, मैं काम आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप लोग एक साथ कर लीजिएगा काम। ठीक है भाई, अभी ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ये क्वेश्चन था आपका जनाब। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है आप उसकी तरफ भी तवज्जो रखेंगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर अब आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बल्कि 4, फोर क्वेश्चन किस तरह का है जरा इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका पिछले क्वेश्चन की तरह है, 7+5x/3>(1 − x/2), और इसमें ये बात लिखी हुई है भाई, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स का ताल्लुक किससे है भाई? रियल नंबर से। तो हम जब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस बात को जानते हैं भाई कि हम एक्स की वैल्यू निकालने के लिए बेटा कहाँ पर जाएंगे, हम एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी 7+5x/3>(1 − x/2), यानी 2 वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 यहां आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7+5x(3 − x)। ये आपको मल्टीप्लाई करना है। नाउ अब मल्टीप्लाई करते वक्त क्या होगा, बिल्कुल पिक्स नहीं, पूरा पीडीएफ सेंड करूंगा। 2 7 = 14 + 2 5 = 10x 3 1 = 3 − 3x। तो भाई अब हमने 2 को भी मल्टीप्लाई कर दिया और हमने 3 को भी मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स को एक्स की तरफ ले जाएंगे यानी -3x यहां से उठ के +3x आ जाएगा, और प्लस का 14 वहां जाकर हो जाएगा -14, तो 3 + 10 हो गए 13x,
और 3 में से 14 जाएंगे तो माइनस का 11 बचेगा और एक्स की वैल्यू आएगी एक्स इज ग्रेटर देन माइनस 11 अपॉन 13। अब ये वैल्यू तो आई है लेकिन सॉल्यूशन सेट आप जानते हैं कि ऐसे सॉल्यूशन सेट जिनका आंसर रियल नंबर शो कर रहा हो तो बेटा उसको हम कैसे लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, एंड एक्स इज ग्रेटर देन माइनस 11 अपॉन 13, ये आपका आंसर बन गया। तो जल्दी से बताइए क्या किसी को कोई मसला है इसमें, जल्दी से क्लियर करें। शाबाश, आज हम लोगों ने अभी तक जो जो क्वेश्चन किए हैं किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, शाबाश। इसमें भी और नीचे भी बताइए ये ऑनलाइन का तरीका कैसा है आपके लिए, ये नया तरीका मैंने आप लोगों के लिए ऑनलाइन के लिए ढूंढा है जिससे अब ऑनलाइन और सिंपल हो जाएगी, न्यू ऐसी सीरीज आपके लिए परचेज की गई है जी। ओके भाई, अब इसका सारा काम मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप बेफिक्र रहें, सारा काम सेंड कर दूंगा, टेंशन ना लें, ठीक है भाई। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यहां से आपका नया काम शुरू होगा, ठीक है भाई। अच्छा अब देखिए भाई, लिसन, यहां से आपका नया क्वेश्चन शुरू हो रहा है, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन क्या है, पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे। अब देखो हमने रियल नंबर के भी दो सवाल कर लिए और नेचुरल नंबर के भी दो सवाल कर लिए, ये सवाल थोड़ा बड़ा है। 7y/8 प्लस वाई प्लस 4/6 प्लस 3/8 ग्रेटर देन 3y/4/4, एंड इसमें हम ये बात भी लिखेंगे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में आप जानते हैं भाई, इंटीजर्स क्या होते हैं, जो के पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, तो यहाँ इंटीजर्स का जिक्र किया जा रहा है कि इंटीजर्स कैसे होंगे। तो नाउ अब हम क्या काम करेंगे, अब हम करेंगे भाई इसका सॉल्यूशन। तो थोड़ा सा सॉल्यूशन बड़ा है, ये वाला सवाल बोर्ड में नहीं आया, इस एक्सरसाइज से सिर्फ एक ही सवाल आया है जो कल हम लोगों ने फिजिकल क्लास में किया था भाई, इस सवाल से सिर्फ एक ही सवाल आया है, ठीक है भाई। तो वो सवाल मैंने आप लोगों को कल ही करा दिया था। 7y/8 + 5/4/6 + 3/8 3y - 4/4। बेटा 8 6 8 का एलसीएम लेंगे सबसे पहले, तो रफ वर्क में जाते हैं सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम अगर हम लेते हैं 8 6 8 का, तो बेटा एलसीएम क्या आएगा, 2 4 8 2 3 6 2 4 8 2 2 4 3 एंड 2 2 4 2 1 2 3 और 2 1 2 एंड 3 1 3। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 2 4 4 2 8 8 3 12 आपके पास आएगा, यानी कि आपका आंसर क्या बन रहा है, 12। आपका आंसर क्या बन रहा है, 12, यानी के 2 2 4 4 2 सॉरी 2 2 4 4 2 8 8 2 8 3 24 होता है, 24 आपका एलसीएम बन रहा है, सही है भाई। तो एलसीएम क्या आया भाई आपके पास, 24। अच्छी तरह देख लीजिए भाई, 24 आ गया एलसीएम। अब 8 के टेबल में 24 कब आता है भाई, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, 3 7 21 y हो गया। 6 के टेबल में 24 कब आता है, 6 के टेबल में 24 आता है 4 तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे ब्रैकेट से। और बेटा 8 के टेबल में 24 कब आता है, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, 9 बन गया ये 3y - 4/4, ये आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास एलसीएम के बाद का स्टेप। अब हमारा अगला स्टेप ये बनना चाहिए कि जो ब्रैकेट के बाहर 4 है इसको हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो 4 1 4y + 4 4 16 + 9
डिवाइडेड बाय 24 ग्रेटर देन 3y-4/4। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर वाई वाली टर्म ऐड हो जाएगी, 21 + 4 मिलकर हो गए 25y, 16 + 9 मिलकर हो गए 25 डिवाइडेड बाय 24 ग्रेटर देन 3y-4/4। अब हम क्या कर सकते हैं भाई, अब हम आसान काम ये करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले हम एक स्टेप और भी यहां पर कर सकते हैं, और वो स्टेप है भाई कि हम यहां पर 4 को 6 से डायरेक्टली भी कैंसिल कर सकते हैं, या तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से पहले 4 1 4, 4 6 24। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 1 वहां जाकर मल्टीप्लाई होगा, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 25 + 25 इसी तरह आ गए, और 6 वहां जाकर जब मल्टीप्लाई होगा तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा 3y-4 से। समझ में आ रही है बात, 3y-4 से। ठीक है भाई, तो हम क्या करेंगे अब, 25y + 25 इज ग्रेटर देन 6 3 18y, 6 4 24। अब y को एक तरफ कर देंगे, y को एक तरफ करने का तरीका यह है भाई कि 18y यहाँ आकर हो गया माइनस का 18y, और 25 के पास जाकर 24, 24 के पास जाके 25 जाकर माइनस हो जाएगा, तो आपके पास यहां पर है 24 24 - 25। तो बेटा 25 में से 18 जाएंगे, ये बनेगा 7y, और ये बनेगा माइनस माइनस प्लस माइनस का 49। y की वैल्यू है, y इज ग्रेटर देन -49/7, 7 7 49 होता है। अब वो कह रहा है -7 आपका कंडीशन या रिलेशन बता रहा है, और वो ये कह रहा है कि y इज ग्रेटर देन -7। अब z का मतलब होता है इंटीजर्स, तो बेटा इंटीजर्स के मुताबिक क्या बात समझ में आ रही है कि क्या इंटीजर कहलाएगा आपका, शाबाश, इंटीजर क्या कहलाएगा मुझे बताइए जल्दी से। इंटीजर -7 से बड़ी वैल्यूज लिखनी है, तो इंटीजर में -7 से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, जल्दी से चैट में बताइए भाई, -7 से बड़ी वैल्यू इंटीजर में क्या होगी, जल्दी से, शाबाश, -7 से बड़ी वैल्यू इंटीजर में क्या कहलाएगी, -7 से बड़ी वैल्यू चैट पर बताइए भाई सारे बच्चे, शाबाश, जल्दी से, फौरन, -7 से बड़ी वैल्यू इंटीजर में कहलाएगी। सॉल्यूशन सेट में बेटा -8 नहीं हो सकती, माइनस में जितनी वैल्यूज आगे जाते हैं वो छोटी हो जाती है, तो -7 से बड़ी वैल्यू -6 होगी, -5 होगी, -4 होगी, 3 होगी, और ये चलता रहेगा टिल आपका पॉजिटिव इंटीजर तक, मतलब -6 से शुरू होगा और ये कहां तक जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर तक जाएगा। समझ में आ गई बात, यहां तक क्लियर है? तो भाई आपके पास ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आया, लेकिन ये इंटीजर का क्वेश्चन था, तो जल्दी से बता दीजिए, आज वाले 3 सवाल तमाम बच्चों को क्लियर हो गए? जी, आज वाले 3 सवाल सबके क्लियर है, कोई इश्यू तो नहीं है किसी को? दोबारा क्लियर करें भाई, मॉड के जितने भी सवाल होते हैं उसमें हमेशा आपके पास वही स्टेप किया जाता है कि मॉड के बाहर कोई नंबर तो नहीं है, अगर नंबर होगा तो उसे दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ पर मॉड के बाहर कोई नंबर नहीं है, मॉड को ओपन करेंगे तो एक दफा हम मॉड को लिखेंगे पॉजिटिव और एक दफा मॉड को नेगेटिव, लेकिन अब के बार साइन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर लगाई जाएगी। तो यहां पर तो बड़ा ही सिंपल सा काम हो गया, एक्स को एक तरफ कर दिया, तो प्लस का एक्स यहाँ आकर माइनस हो गया, माइनस का 2 वहां आकर प्लस हो गया, 5 + 2 7 हो गया, 3 - 1 2x हो गया, और एक्स की एक वैल्यू x < 7/2 आ गई।
लेकिन एक्स के साथ दूसरा कहानी यहाँ पर ये कि ये माइनस शिफ्ट होगा। जब ये माइनस शिफ्ट होगा यहाँ पर, तो ये लेस देन था पहले, अब वो ग्रेटर हो जाएगा क्योंकि वो पॉजिटिव हो गया और ये लेस हो गया, तो हम इसकी साइन को चेंज कर देंगे। ये लेस देन है तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है भाई। तो फिर हम माइनस की साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस की साइन मल्टीप्लाई हो गई, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, एक्स को एक तरफ ले जाएंगे, कॉन्स्टेंट को एक तरफ ले जाएंगे, आपका आंसर यहाँ तक आ गया है। अच्छा, अब मामला ये है कि भाई हमें सॉल्यूशन सेट लिखना है, तो सॉल्यूशन सेट कैसा आएगा आप जरा देखिए। सॉल्यूशन सेट इसका दोनों के लिहाज से बनेगा। देखो एक्स की दो वैल्यूज बनी है, एक्स की दो वैल्यूज आई हैं, तो दो वैल्यूज के लिहाज से बनेगा सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट बनाने का तरीका यहां पर ये होगा कि भाई एक्स की वैल्यू है तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। एंड अब आप देखो आपके पास बीच में आएगा एक्स, एक तरफ आएगी वैल्यू 7/2 और एक तरफ वैल्यू आएगी -3/4। दोबारा देखिए भाई, बीच में आएगा एक्स, एक तरफ आएगी 7/2 वैल्यू, 7/3 वैल्यू, 7/3 है, 2 है, 7/2 है, 7/2 और एक तरफ आएगी 3/4। अब इसमें ग्रेटर देन लेस देन का साइन कैसे लगेगा, सुनो। यहां पर ग्रेटर वैल्यू 7/2 है लेकिन एक्स की वैल्यू छोटी है, तो ऐसे साइन लगाएंगे, 7/2 की तरफ क्रोकोडाइल का मुंह ओपन है। और यहां पर -3/4 छोटा है, एक्स बड़ा है, तो यहां एक्स की तरफ हम ओपन माउथ बनाएंगे। यहां पर एक्स की तरफ लेस देन है और यहां पर एक्स की तरफ ग्रेटर देन है। जिस तरफ ग्रेटर देन होगा हम उस तरफ लगाएंगे, जिस तरफ ग्रेटर देन होगा हम उस तरफ लगाएंगे। अच्छा, थोड़ी सी इसमें आप रिकरेक्शन कर लें। मामला ये है कि हमेशा नेगेटिव वैल्यू पहले लिखी जाती है, तो फिर इसको हमें सही करना पड़ेगा। तो भाई हम यहां पर लिखेंगे पहले -3/4 और 7/2। तो क्या होगा भाई, आपके पास एक्स की साथ बीच में क्या लगेगा भाई, एक्स के साथ आपके पास बीच में लगेगा साइन। अब ये साइन कैसे होगा समझेगा भाई, ये साइन होगा जैसी बात है, -3/4 में एक्स की तरफ ग्रेटर साइन है और 7/2 में एक्स की तरफ लेस देन साइन है। तो ये आपका फाइनल आंसर बन गया बच्चों, जो के आपका यहाँ के मुताबिक दो आंसर निकल रहे हैं। तो शाबाश, जल्दी से बताइए, यहां तक सब लोगों को क्लियर है, यहां तक सब लोगों को क्लियर है, जल्दी शाबाश। अब ये सारा काम आपके पास व्हाट्सएप में आ रहा है, आप लोग व्हाट्सएप पे अपना काम पीडीएफ में देख लीजिएगा और फिर इसकी वीडियो भी अपलोड हो जाएगी यूट्यूब में, तो आप लोग जरूर फीडबैक दीजिएगा कि जिस तरीके से अब मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। सही है भाई, एक सवाल आप लोग होमवर्क ले लें अपना, और वो सवाल है घर से आप लोगों ने करना है, और वो सवाल है mod 5 + 3y < 12। ये आपका सवाल है और ये आपने घर से करना है। इसमें भी आपके पास आपका जो y है उसका ताल्लुक रियल नंबर से, ठीक है भाई। ये आपका होमवर्क हो गया, ये वाला क्वेश्चन आपका होम टास्क हो गया, ठीक है भाई। इंशाल्लाह अब हमारी क्लास कल होगी, तो कल हम मजीद इसके अंदर देखेंगे कि हमारे पास और क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है भाई। यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है, तो फिर मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ और आपके पास लिंक आ रहा है दूसरी क्लास का। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।